अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी कराची के शहरियों की, जो इस वक्त खुशकिस्मती कह लें कि हालत बदलने वाली है कराची शहर की, उसके ऊपर आज बात करना ज़रूरी समझता हूँ। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से 1100 अरब रुपए की बात अगर की जाए, 11 खरब 13 अरब रुपए की अगर बात की जाए, उस पैकेज के हवाले से बैठक लगी, वफाकी नुमाइंदे, सिंध हुकूमती नुमाइंदे बैठे मिलकर और इन तमाम चीज़ों पर बहस की गई कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ को बदलते हुए काम करना है। अब इसी के बारे में बात करेंगे और मैं थोड़ा सा एक और बात कर दूं कि DGISPR के हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं और ये भी कहा कि कराची के अमन की बहाली का जो तस्करा किया था कि उसका हवाला दिया कि अमन बहाल करना चाहते हैं। और ये फुटेजेस आप सामने देख रहे हैं कि सीएम साहब भी वहां पर मौजूद थे इस बैठक के अंदर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध हैं मुराद अली शाह साहब और असद उमर साहब भी थे फेडरल मिनिस्टर। अब होने क्या वाला है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर पैसे लगते हुए दिखाई देंगे और किन डिपार्टमेंट्स की हालत बदलती हुई नजर आएगी, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना यह चाहता हूं कि एक अरसे के बाद अब ये बैठक लगी है और तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करने की बातें की जा रही हैं, क्या समझते हैं कि ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज है किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किन किन डिपार्टमेंट्स में लगाए जाएंगे पैसे? शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया इस बात का कि मैं कराची की जो तरक्की है और कराची के लिए जो हम काम करना चाह रहे हैं उसका इजहार कर सकूं। तो यहाँ पे जो है अभी अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग देखी और उसके अंदर जो है सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट आपको एक पेज पे नजर आई, वो सिर्फ इस मकसद के लिए हम लोग सब एक पेज पे आके खड़े हुए हैं कि कराची की जो सूरत हाल है और कराची के अंदर जो मामला जिस तरह के हो रहे हैं और जिस तरह से कराची के लोगों ने शहरियों ने जो चीजें भुगती हैं उनको जो है उन पर सदेबाव किया जाए, उन नुकसान का अजारा किया जाए और वो तरीका तय किया जाए कि आइंदा शहर के अंदर वो तरक्की होती हुई नजर आए। उसके लिए हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने जो कराची के लिए पैकेज दिया था और वो 1100 अरब रुपए से जायद का, उसको मुख्तलिफ मदों के अंदर खर्च करना था और उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हाइल थी, कुछ रुकावटें हाइल थी और जिसके अंदर कोई आप ये समझेंगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला था, कुछ और कुछ जो है कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था, तो उसको हमने रिजॉल्व किया है, बैठ के साथ मामला को किया है जिसमें जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको हमने पूरा करने की बात की है। नालों की सफाई थी और नालों की सफाइयां हुई जरूर बारिश के पानी के लिए, इंक्रोचमेंट थी नालों के ऊपर, उसे सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उसको साफ करे और इंक्रोचमेंट जो है वहां पे हटाए, उसके अल्टरनेट जो है जो देनी है कंपनसेशन जो भी देना है वो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। वफाक ने उन चीजों को दोबारा से बना के देना था और उसके अंदर फंडिंग करनी थी, तो वो फंड बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, रेडी। अच्छा, पड़ा हुआ आप है। आप क्या समझते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ 2.5 साल 3 साल के अरसे के अंदर सिंध हुकूमत और फेडरल जो हुकूमत है उसके दरमियान तंज के निश्चर बरसाए जाते थे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सके थे, अब ये जो प्लेटफॉर्म है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ये काम होता दिखाई दे रहा है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्या दोनों हुकूमतों के दरमियान? देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो मुस्तकिल रहा है क्योंकि 18वीं दरमियान के बाद कुछ अख्तियार जो है सिंध गवर्नमेंट के पास जब चले गए और वफाक ने जो है जो इमरान खान साहब ने कराची के अंदर और यहाँ कराची की टीम ने गवर्नर साहब ने सबने मिलकर जब ये बात की और उसके बाद इसको करने की कोशिश की कि कराची के मसाइल किसी तरह से हल हों, तो उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे 18वीं तरमीम का प्रॉब्लम आई कि उसको डायरेक्ट जो है वो वफाक खर्च नहीं कर सकता था चीजों में, बहुत सारे मामला में PWD को भी हमने उसमें लिया ऑन बोर्ड लेकर बहुत सारे काम PWD के तहत करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे काम सिंध गवर्नमेंट ने करने थे, और आपको याद होगा जब ये इमरान खान साहब कराची आए थे गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सीएम साहब भी बैठे हुए थे और ये बात तय हुई थी कि इसके अंदर जो है बहुत सारे मामला को मिलकर किया जाएगा। अब उसमें K4 का मंसूबा था, उसमें नालों की सफाई, नालों की जो मंसूबा था, 5 टेंडर जो है अलहमदुल्ला यहाँ पहुंच गए हैं कराची और वो 5 टेंडर अभी कुछ दिनों में आपको हवाले कर दिए जाएंगे। जो आग के मसाइल हो रहे थे उसमें जो है तकरीबन जो है वो सारे 5 टेंडर को मंगा लिया गया और वो इमरान खान साहब ने उसको स्पेशली खासतौर पर उसको सारी चीजों पर तवज्जो दी और ये काम की तरफ गए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम थी जिसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जैसे वो जो नालों को साफ करना था उनके पास इंक्रोचमेंट जो थी उनकी सफाई करनी थी, उनको कंपनसेशन देनी थी और उनको अल्टरनेट देना था, लेकिन वो काम जो है डिले हुआ। अच्छा, आपने बड़ा एक अच्छा जो है वो पॉइंट रेज किया, मैं इस पर थोड़ा सा प्रिसाइज होकर क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये नालों की सफाई के हवाले से, क्योंकि जो जराए बता रहे हैं महमूदाबाद नाले की बात कर लें या गुजर नाले की बात कर लें, इनके अतराफ में से जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है वो तो चले आसानी से हट जाएगी, हार्ड इंक्रोचमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 12,000 के करीब कुछ घर आते हैं जिनको मिसमार किया जाएगा या जो तजावजात के जुमरे में आते हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या सोचा है, इस प्लान में मौजूद है वो रिप्लेसमेंट उन लोगों के लिए?
देखिए रीसेटलमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे है, ठीक है, और उन्होंने उनको रीसेटल करना है, उनको कंपनसेशन जो भी है जो सिलसिला है वो उन्होंने देना है, और वो करके उस काम को आगे की तरफ लेके चलना है। जब तक वो उस काम को पूरा नहीं करेंगे तो ये काम जो है बढ़ेगा नहीं। तो जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट अभी जो है 3-4 महीने पहले जो बारिशें हुई थी उसमें पूरे शहर की तबाही बर्बादी तबाही हो गई थी पूरे शहर के अंदर जी। और पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ था, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि गुजर नाले को उसकी अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए, महमूदाबाद के ऊपर जो है जो मामला था उसको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए, और उसके लिए हमें सिंध गवर्नमेंट का तआवुन बहुत ज्यादा दरकार था इस मामले के। नहीं तो कॉपरेट कर रही है सिंध हुकूमत, क्योंकि एक और बड़ा मसला है कि नालों के अंदर कचरा भर जाता है, और अगर नालों के अतराफ में बाउंड्री नहीं लगाई जाएगी तो ये कैसे कचरे को रोकेंगे नालों में गिरने से, कचरा पहले ही नहीं उठाया जा रहा, इस मौजू पे बात हुई? देखिए ये जो है ना, इसका तो मंसूबा बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है, इसके अंदर सारे काम, इसकी वर्किंग जो है पूरी पोजीशन सब तैयार पड़ी हुई है, इसमें सारी जो है यहाँ पे तो आपको पता है पिछली दफा एनडीएमए ने भी जो है इसके अंदर रोल किया, पाक फौज का भी रोल था, सारी चीजें होने के बाद ये अब चीजें तैयार पड़ी हुई है, तकरीबन जो है फाइनेंस भी इसका तैयार पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक इशू ये है कि यह इंक्रोचमेंट जो है उस पे से, क्योंकि देखें नाले थे और ये नालों की असल चौड़ाई जो थी उसको करके रिड्यूस कर दिया गया, नदियों की चौड़ाइयों को रिड्यूस कर दिया, गुजर नाला आपको पता है कि अगर उसकी चौड़ाई जो थी उसको बिल्कुल 10% पे जो है लाया गया और लेकर आ गए ये लोग जो इंक्रोचर थे, जिसकी वजह से पूरे शहर को नुकसान हुआ। तो ये जो है इस नुकसान की तलाफी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि ये दोबारा जो है इसको जो है इसको दोबारा इस तरह की दवाई दोबारा ना आने दी जाए यहाँ पर शहर के अंदर, और जो जो लोग नाजायज काबजी ने, जाहिर बात है वो नाजायज काबजी ने के नाले पे किसने भी लिया या किसी ने भी उनको लीज करके दे दिया, तो वो तो गलत वे में गया ना, रॉन्ग वे में, आपको पता है पिछले 10 सालों से हुकूमत चले, चले वो चीजें ठीक है। मैं एक और इशू के ऊपर बात करना चाहता हूँ, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से, मिनिस्ट्री भी तब्दील हो गई, जो रेलवे मिनिस्ट्री है पहले शेख साहब थे अब आजम साहब आ गए हैं, तो रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट था साकिब निसार साहब ने भी कहा था KCR को बहाल कराएंगे, KCR के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, क्या बहाल होता नजर आ रहा है, जो रूट्स बनाने हैं एलिवेट करने हैं रूट्स, वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे इस प्लान के तहत? देखिए आपको आपके सामने है कि बार बार शेख रशीद साहब जब इस वजारत में थे तो मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो वफाक पूरी करने को तैयार है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो क्योंकि फ्लाई ओवर बनाने थे, गेट जो है फाटक उस पर लगाने थे, उस पर रेलवे के जिस जगह पे जरूरत थी उन्होंने वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके बावजूद मुकम्मल नहीं हुआ, तो सर्कुलर रेलवे जो है इस वजह से पेंडिंग है, लेकिन रेलवे की तरफ से जो है उसके अंदर बिल्कुल रेलवे की तैयारी मुकम्मल है और ट्रेनें तक तैयार कर ली गई थी, बोगियां तक तैयार हो गई थी इस बात के लिए कि जी इसको जो है चलाना है, और एक सर्कुलर रेलवे जो है जो मेन लाइन पे चलती थी उसको तो हमने बहाल भी कर दिया, लेकिन जो इंटरनल सर्किट सर्कुलर रेलवे लाइन थी उसके ऊपर फाटक नहीं लगे हुए, उससे फ्लाई ओवर नहीं बने हुए। अच्छा शेख साहब जब मिनिस्टर थे रेलवे के तो वो कहते थे कि रेलवे के अंदर जो है वो बल्ले बल्ले होने वाली है, रेवेन्यू जनरेट करेगी, आजम सिपाती साहब आए तो फौरन नीलामी की तरफ चले गए जमीनों पर, इसको कैसा देखते हैं आप, इंडोर्स करेंगे कि ये जो फैसला किया गया था नीलामी के हवाले से कि ना बोझ होगा ना जो है वो उसके ऊपर काम किया जाएगा, तो किसकी माने, शेख साहब की माने के रेलवे सही जो है वो काम कर रही है या आजम साहब की माने के खसारे की तरफ जा रही थी? आप किसकी बात कर रहे हैं, रेलवे और शेख साहब की, और दूसरा किसका नाम ले रहे हैं? आजम सवाती साहब का। देखिए सवाती साहब जब आए हैं, अब ये जो शेख साहब के डायनेमिक जो शेख साहब ने जो चीजें की थी उन्हीं को लेके वो आगे चल रहे हैं, उसकी डायनेमिक्स में कोई तब्दीली नहीं आई है। नहीं शेख साहब तक ये कोई फैसला नहीं आया था सामने कि जमीनों की नीलामी की जाएगी जो रेलवे की जमीने, अब ये फैसला जो सामने आया है कि एक इन्होंने बात कही है कि हम नीलाम करना चाहते हैं, क्या समझते हैं ये नीलामी जो हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? देखिए बात उसके अंदर ये है कि जो पूरे पहले भी रेलवे की जो जमीनें थी और उनको जो है पहले भी ऑप्शन किया जा रहा था, लेकिन जो नाजायज तरकीब है जो रेलवे लाइनों को जिन्होंने डैमेज कर दिया, उन जमीनों को ना सवाती साहब नीलाम कर सकते हैं और ना ही शेख रशीद साहब कर सकते थे, तो उन जमीनों की तो बात ही नहीं हो रही, ये जमीनें वो हैं जो सरप्लस जमीनें हैं जो बिल्कुल साइड पर हटकर हैं और जो रेलवे के काम में किसी में नहीं आ रही है, उनको लेकर अगर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है तो वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो अच्छा साहब आप नहीं समझते कि हर मुल्क जो है वो आगे 100 साल की सोचता है, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, तो क्या ये जो जमीनें हैं आगे चलकर रेलवे के बेहतरी के लिए इस्तेमाल अगर की जाती तो ज्यादा बेहतर होता, रेवेन्यू जनरेट करने में आसानी होती? देखिए एक तो बात यह है कि इन जो रेलवे की इस टाइप की जमीनें जो पड़ी हुई है उनकी चौकीदारी पे और उनको एग्रोचर से बचाने के ऊपर रेलवे का बेतहाशा पैसा जाया होता रहा है और हो रहा था मुस्तकिल, तो इसका बेहतरीन हल क्या ये था कि नीलाम कर दी जाए? नहीं नीलाम से मुराद ये है कि जारी बात है किसी को लीज पे दी जाएंगी तो वो उसको वहां पे उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे रेलवे को और कौम को ही फायदा होने वाला है, लेकिन अगर वो जमीनें पकड़ के एग्रोचर को चले जाएंगे तो 8-10 साल के बाद जो है उनको 8-10-20 साल के बाद इंक्रोचर को पैसे देने पड़ते हैं, कंपनसेशन देना पड़ता है, वो किस मत में दें?
नहीं तो इनक्रोचमेंट इनक्रोचमेंट होती ही क्यों है? इनक्रोचमेंट से पाक करने के लिए तो इदारे बैठे हुए हैं ना। हाँ लेकिन देखिए आप देख, एक बात यह है कि आप हम जैसे वफाकी गवर्नमेंट है और बाकी सूबाई गवर्नमेंट है, और वफाकी गवर्नमेंट के तहत जब जो है उसकी जो रेलवे की जो जमीन है, जहाँ जहाँ गैर जरूरी जमीन है, जहाँ पे कोई प्लानिंग जो किसी जमाने में कोई प्लानिंग हुई थी और वो जमीन प्लानिंग खत्म हो गई और उसके बाद वो जमीनें जो है वीकेंड पड़ी हुई है और वो किसी मसरफ में नहीं आने वाली है और उसको अगर नीलाम कर दिया जाए तो मेरा ख्याल में आप भी ये समझेंगे कि वो बेहतरी की तरफ एक कदम। लेकिन जो जमीनें जो मुस्तकिल, जैसे आपको बताऊं कि नाजामाबाद के अंदर जो है जो सर्कुलर रेलवे थी नाजामाबाद के अंदर, ये सर्कुलर रेलवे निकलती थी शराय फसल के ऊपर, आप देखें नाताखान ब्रिज के नीचे, वहां से जब निकल के मूव करता तो दोनों जगहों पर पेट्रोल पंप बना दिए। किसने पेट्रोल पंप बनाए, वो पेट्रोल पंप किसने लीज किए, किसने अलॉट किए, किस गवर्नमेंट के अंदर दौर में हुए और ये इंक्रोचर आए कहाँ से? ये सारे उस मेन सर्कुलर रेलवे लाइन के ऊपर जो है आप देखेंगे वो सर्कुलर रेलवे लाइन जो कराची के अंदर चलती थी नाजामाबाद से चलना शुरू हुई या मारीपुर से चलना शुरू हुई और जब वो निकल के मुस्तकिल करीमाबाद में अंदर पहुंची तो वहां पे जाके कब्जा किसी ने कर लिया। तो जिन लोगों ने इस तरह के कब्जे कराए वो तो नाजायज कराए ना उसमें। अच्छा, तो अब होने क्या जा रहा है कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये जो कब्जे हैं वो वागुजार कराए जाएंगे या जमीनें नीलाम करके और आसानी की जाएगी? नहीं देखें, जो मैं कह रहा हूँ जो सर्कुलर रेलवे के अंदर जो आ रही है बीच में जी, जो यूजलेस जमीन है जिनका कोई मसरफ नहीं है उनपे इंक्रोचर कब्जा कर लेते हैं बार बार, उनके ऊपर जो है प्लाजे तामीर करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों की बात हो रही है। ये उस चीज की बिल्कुल बात नहीं हो रही जो आप कह रहे हैं गिलानी स्टेशन के खराब में चले हैं कितना बड़ा कब्जा हुआ है, उनको नीलाम करने की कोई बात नहीं कर रहा। ये उन जमीनों की बात हो रही है जो ऐसी जगह पे लोकेशन पे है जहाँ रेलवे की कोई मसरफ नहीं है उस जमीन का, उसको नीलाम करने की बात हो रही है। नेट पर इनकी वेबसाइट के ऊपर गिलानी स्टेशन के अतराफ में और कराची यूनिवर्सिटी के अतराफ में जो जमीने हैं ना उनकी नीलामी के हवाले से भी जो है वो बिड लगाई गई है और बड़े कम रेट के अंदर ये फिगर स्टार्ट किया गया है। देखिए कीमत जो है ना, जाहिर बात है कीमत तो एक फिक्स कीमत की जाती है, एक रिजर्व प्राइस होते हैं, उसके बाद वो ऑप्शन के अंदर जाहिर बात है सबको मौका मिलता है, फिर ऑप्शन होती है, ओपन ऑप्शन होता है, ऑप्शन का मतलब ये कि ओपन ऑप्शन होता है और उसके अंदर जो है वो सबके सामने आ जाती है। अच्छा एक चीज और है अशरफ साहब, एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है ना कि 5 साल लीज पर दी जाएगी अगर जमीन दी जाएगी, तो ये जो नीलामी हो रही है ये 5 साल लीज पर है या 99 साल लीज है? आप ये जो अभी जो आपने रेलवे की बात शुरू की है तो मैंने इसको अपने टेंडर जो बता रहे हैं, मुझे ये तो पता है कि यूजर जमीनों को जो है वो मसरफ में लेकर आना है, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि ये जो टेंडर हुआ है कौन सी किस जमीन के मुताबिक हुआ, कितने पैसे में हुआ, तो ये मेरी मालूमात अभी नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो मैं आपको इसको चले 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 मूविंग फॉरवर्ड। अगर मैं बात कर लूं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या बेहतरी तजवीज की गई है, एडवाइस क्या दी गई है इस प्लान के तहत? देखिए सर्कुलर रेलवे को बहाल करना, ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आ जाएगी, ठीक है। रेलवे के अंदर जो है सवाती साहब ने कहा कि वो जो है जो मालगाड़ियों का सिस्टम था और ट्रांसपोर्टेशन उसकी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां मजीद चलेंगी और वो जो है उसके ऊपर जो है और ट्रांसपोर्ट का जो है लोड कम होगा और इस रेलवे के ऊपर ज्यादा आ जाएगा, जो ट्रेनें चलने शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, वो प्लान हुआ हुआ है और वो चलेगा। अगर KCR फ्लरिश करता है, लोडर गाड़ियां चलाई जाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का निजाम इससे मुतासिर होगा या नहीं होगा, या उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा? लेकिन ये देखिए एक चीज इसके अंदर सबसे बड़ी, देखिए बहुत एक बड़ा इशू है जिसको मैं आपको बिल्कुल एड्रेस करना भी चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था KCR के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, और वो चलनी थी और चलना चलाने का वफाक का प्रोग्राम है, उसको बहुत अच्छे मॉडिफाइड अंदाज में चलाना है, उसको बहुत अच्छा करके चलाना है जैसे पूरी दुनिया में चलती है, और वो रेलवे बिछी हुई थी लेकिन उनपे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे वो ब्रिज फ्लाईओवर तोड़ दिए गए, बहुत सारी जगहों पे गेट खत्म कर दिए गए, बहुत सारी जगहों पे चीजें पड़े, वो ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उसको क्लियर करके दे, जिसने वफाक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जिम्मेदारी लगाई है, जैसे ही वो काम कंप्लीट करते हैं वफाक का काम आपको बहुत तेजी से होता हुआ नजर आएगा क्योंकि तैयारी हमारी मुकम्मल है। चले मैं एक और अपडेट करना है जी, मैं एक आखिरी सवाल भी करना चाहूंगा, थोड़ा पॉलिटिकल ये क्वेश्चन है, हलीम अदनी शेख साहब इन हो गए, फिर दौस साहब आउट हो गए, क्या समझते हैं ये क्यों किया गया है बेसिकली? लेकिन ये तो हमारी पार्टी के इंटरनल फैसले हैं और उसके अंदर जो जिसको पार्टी जरूरत समझती है, जिसकी इमरान खान साहब को जिसको समझते हैं उसको अभी इस वक्त उसको आगे आना चाहिए। लेकिन मेरे सोर्सेस तो ये कह रहे हैं कि 17 MPA आपके इस हक में नहीं थे कि फिरदौस साहब को हटाया जाए, हलीम साहब को लेकर आया जाए, ये गवर्नर हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई ये फैसला किया गया, तो मुशावरत से हुआ है या फिर बगैर मुशावरत के हुआ है? 100% मुशावरत के साथ सबको ऑन बोर्ड लेकर किया गया फैसला है और इसमें इमरान खान साहब की जो है पूरी वो मर्जी भी शामिल है और इसको पूरी मर्जी के साथ किया गया है और कोई भी MPA किसी भी उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता जो हमारे चेयरमैन साहब करें। अच्छा मुझे जरा कुछ और बता रहे थे, 17 के करीब फिगर आ रहा था MPAs का कि जो मुखालफत कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कि इस फैसले के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए? नहीं देखें सेनेट इलेक्शन भी सर पर है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अंदर है, ना कोई था ना है जी। और दूसरी बात है कि देखें राय की रिजर्वेशन को अगर आप ये समझेंगे कि राय अपनी देना चाहता है
किसी का कोई जो है कोई मसला होता है वो सोचता है कि ये नहीं ये अच्छा होगा, उस राय की बुनियाद पे अगर वो सोर्सेज निकाल लें कि ये इख्तलाफ था, नहीं तो फिरदौस साहब क्या बेहतर काम नहीं कर पा रहे थे? फिरदौस साहब बहुत अच्छे, बहुत हमारे पुराने सीनियर पार्टी के, तहरीक इंसाफ हैं, तहरीक इंसाफ में बहुत सीनियर हैं पार्टी के, फिर हटा क्यों दिया? नहीं हटाने का तो देखें ना, अब दो ढाई साल से वो अपोजिशन लीडर थे, अलीम सबको मौका दिया जाएगा, अलीम एक्टिव हो गए हैं सिंध के अंदर, ज्यादा एक्टिव है आपको पता है, अलीम चारों तरफ जाते हैं और पार्टी ने इस बात का फैसला किया कि उनको मौका मिलना चाहिए और वो जाके अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, तो उनको एक मौका दिया गया, उनको मौका दिया गया। तो अच्छा, बड़े बड़े करीबी दोस्त भी हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के, फिर सेनेट इलेक्शन भी सर पर है, गवर्नर और अपोजिशन लीडर मिलकर सेनेट इलेक्शन सर पर, क्या समझ आ रहा है, कुछ बात समझ में आ रही है कि क्या होने जा रहा है इस वक्त? देखें हम जो है जब कोई भी फैसला पार्टी करती है तो ज़ाहिर सारे डायनेमिक्स को देख के करते हैं हम लोग सारे फैसले और कंसेंसस। अच्छा, आप इस हक में हैं, आप इस हक में हैं कि अलीम साहब को इन होना चाहिए था, फिरदौस साहब का आउट? मैं यही पार्टी का मुत्तफिका फैसला है, हम सबका मुत्तफिका फैसला है इस बार। चले 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए पीटीआई की जानिब से। नाज़रीन मामलात बहुत सारे हैं, बातें बहुत हैं जो डिस्कस करनी है, इन हाउस पॉलिटिक्स क्या हो रही है और ग्राउंड रियलिटीज क्या बता रही हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। अब ये 11 खरब और 13 अरब रुपये जो इस पैकेज के अंदर दिए गए हैं, ये एग्जीक्यूट होते नजर कैसे आएंगे? मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 267 अरब रुपये लगेंगे, नकासी आब और दीगर मनसूबों पर पैसे खर्च होंगे, जबकि 92 अरब रुपए पानी के फरामी के मनसूबों पर खर्च होंगे, जबकि 572 अरब रुपए की अगर बात कर ली जाए तो रेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुश्तरका तौर पर इसको अप्लाइज किया जाएगा, फंक्शनलाइज किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये कितने सालों के अंदर काम होता नजर आता है, क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये जो पूरा पैकेज है इसको पूरी ईमानदारी के साथ कराची वालों के लिए खुशखबरी बनाकर पेश करेंगे, या फिर ये वही वादे हैं जो माजी में भी वफा ना हो सके। वक्फा लेंगे इसके बाद दीगर स्टोरी से, उस पर बात करेंगे।